कुछ भी कर लो, ये चाय तो छूटती ही नहीं है ना। लेकिन अब छूट सकती है, क्योंकि इस वीडियो में आप सीखेंगे 3 ऐसी हर्बल टी रेसिपीज जो आपको वही चाय वाली सेटिस्फैक्शन तो दे देती है लेकिन कोई साइड इफेक्ट्स के साथ नहीं आती। तो आइए शुरू करें। इस वीडियो में सारी चाय रेसिपीज 2 लोगों को सर्व करती है। पहले हम बनाएंगे इंडियन मसालों से बनी नो चाय मसाला चाय। इसे बनाने की सारी सामग्री आपको आसानी से अपनी किचन में मिल जाएगी। सबसे पहले हम एक पतीले में 1.5 कप पानी उबलने के लिए रख देंगे। गैस को मीडियम ही रखें, हमें पानी को ज़्यादा नहीं उबालना। जितनी देर में हमारा पानी गर्म होगा उतने में हम अपने मसाले कूट लेते हैं। हमें चाहिए 4 हरी इलायची, 1/2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग, 2 काली मिर्च, 1 फुल चक्री यानी स्टार अनीस। अगर आपके पास स्टार अनीस ना हो तो आप इसकी जगह 1/2 टीस्पून सौंफ भी ले सकते हैं। पहले सभी मसालों को एक मूसल में पीसना है, कुछ इस तरह। ध्यान रखें कि सभी मसाले अच्छे से पिस जाएं, ताकि चाय में फ्लेवर्स अच्छे से आ सके। जब पानी में उबाल आने लग जाए तो हम उसमें कूटे हुए मसालों के साथ साथ 1 टीस्पून घिसी हुई अदरक भी डाल देंगे। फिर पतीले को ढक दें और चाय को उबलने दें। 2 मिनट गैस बंद कर दें, ज़्यादा ना उबालें वरना चाय कड़वी हो जाएगी। आह, इस चाय की खुशबू में ही एक जादू है। लेकिन सबसे मज़ेदार और ख़ास बात तो अभी भी रहता है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप नारियल का दूध। लेकिन ये याद रखिएगा कि आप नारियल का दूध हमेशा गैस बंद करने के बाद ही डालें। नारियल दूध कैसे बनाते हैं, इस पर हमने एक पूरी वीडियो बनाई है जो आप हमारे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। बहुत आसान है, लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है। अगर आपके पास नारियल दूध ना हो तो आप इसमें बादाम का दूध भी डाल सकते हैं। दूध डालने के बाद 5 मिनट के लिए पतीले को ढक दें, ताकि सभी मसालों के फ्लेवर्स अच्छे से मिक्स हो जाएं। इस चाय में नारियल या बादाम का दूध डालना ज़रूरी नहीं है, बिना किसी दूध के भी ये चाय बहुत अच्छी टेस्ट करती है। अगर आप दूध नहीं डाल रहे तो शुरू में पानी थोड़ा ज़्यादा डाल दें, 1/2 कप की जगह 2 कप। बस अब इसको छन्नी के ज़रिए छान लें और अपने स्वाद अनुसार इसमें गुड़ मिलाएं। जब हमारे घर पे कोई गेस्ट्स आते हैं और चाय मांगते हैं, हम उनको यही पिलाते हैं। और जब हम उनको बताते हैं कि इसमें कोई चाय पत्ती नहीं डाली, तो वो हमसे रेसिपी पूछने लग जाते हैं। कोई विश्वास ही नहीं कर पाता कि बिना चाय पत्ती के, बिना दूध के, बिना चीनी के हम इतनी स्वादिष्ट चाय बना सकते हैं। आप एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके लिए नो चाय मसाला चाय, हमारे लिए नो चाय मसाला चाय। नो चाय मसाला चाय, और आपको पता है इसमें चाय की पत्ती नहीं है। चाय पत्ती नहीं है, I don't think it'll taste good. इसमें तो मुश्किल है, मुझे लगता है ये स्वाद होगा इसमें कुछ। अरे ऐसे भी कोई चाय होती है? Please try it once. इसमें सच में चाय पत्ती नहीं है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है। I can't believe it. मैं इसको डेली पी सकता हूँ। सोचा नहीं था मैंने बिना चाय पत्ते के भी ऐसी चाय बन सकती है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली हर्बल टी पे, और वो है लेमन ग्रास टी। मुझे पता है लेमन ग्रास का नाम सुनते ही आप सोचेंगे, अरे लेकिन ये हम कहाँ से लाएंगे, ये तो इंडिया में मिलती ही नहीं, अब इसे कौन ढूंढने जाएगा। लेमन ग्रास एक्चुअली इंडिया में बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। आप अपने मालिक को बोलकर इसका एक पौधा मंगवा सकते हैं, या फिर किसी भी नर्सरी से इसको ला सकते हैं और फिर इसे अपनी किचन, बालकनी, कहीं भी उगा सकते हैं। एक पौधा सिर्फ 50-100 रुपीस का आता है और पूरे साल उगता है। तो आइए सबसे पहले हम एक पतीले में 2 कप पानी उबालने के लिए रख देंगे। फिर लेंगे अपना लेमन ग्रास। चाय बनाने के लिए हमें इसके पत्ते नहीं बल्कि लेमन ग्रास की स्टेम यानी नीचे वाला तना चाहिए। 2-3 इंच स्टेम लें और इसे ऐसे काट लीजिए। अब उबलते हुए पानी में इसे डाल दें और 1 मिनट तक धीमी आंच में उबलने दें। जब तक लेमन ग्रास पानी में उबल रही है, हम अपने बाकी मसालों को भी कूट लेंगे। एक मूसल में डालें 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा,
6 हरी इलायची के दाने और एक आधा इंच का अदरक का टुकड़ा, इन्हें भी अच्छे से कूटकर पानी में डाल दें। पतीले को ढक दे और चाय को 3 मिनट उबलने दे। मैं तो जब भी ये चाय बनाती हूँ पूरी किचन में लेमन ग्रास की खुशबू ही महकने लग जाती है। बस अब इसको छन्नी के जरिए कप्स में डालें और ऊपर से स्वाद अनुसार गुड़ का पाउडर मिक्स कर लें। गुड़ ज़्यादा ना डालें वरना लेमन ग्रास का फ्लेवर आपको अच्छे से नहीं आएगा। हम सात्विक रेसिपीज बनाते वक्त मिठास के लिए गुड़ यूज़ करते हैं, कभी चीनी नहीं। मुझे तो इस चाय में लेमन ग्रास का फ्लेवर सबसे अच्छा लगता है, लेकिन आप लेमन ग्रास की जगह तुलसी के पत्ते, कड़ी पत्ते, पुदीने के पत्ते या गुलाब के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर आप कड़ी पत्ता यूज़ कर रहे हैं तो चाय को ज़्यादा ना उबालें वरना वो कड़वी हो जाएगी। मेरी फैमिली में कई लोगों ने अपनी चाय को इस लेमन ग्रास हर्बल टी से बदला है और कुछ ही दिन में उनकी चाय की एडिक्शन यूं छूट गए। अरे हमारी लास्ट और आखिरी हर्बल टी तो अभी भी बाकी है, एप्पल सिनेमन टी यानी सेब और दालचीनी की चाय। आप सोचेंगे ये भी कोई कॉम्बिनेशन हुआ क्या, लेकिन आप ट्राई करके देखें। इसे बनाने के लिए 2 मीडियम साइज के लाल सेब ले लें और उन्हें छोटा छोटा कुछ इस तरह से काट लें। अब कटे हुए सेब को ऐसे क्रश कर लें, कूटते कूटते कहीं इसका जूस ना बन जाए, बस हल्का सा ही कूटना है। अब एक पतीले में 2 कप पानी ले लीजिए, इसमें कूटे हुए सेब, 2 दालचीनी के डंडे और 4 लौंग डालकर मीडियम फ्लेम पर उबालने के लिए रख दें। हमको इसको करीब 10 मिनट तक मीडियम आंच पर ऐसे ही उबालना है ताकि सारे फ्लेवर्स, सेब का हल्का खट्टापन, दालचीनी की मिठास और लौंग का तीखापन अच्छे से मिक्स हो जाए। 10 मिनट बाद इसको छन्नी के जरिए कप्स में डालें और ऊपर से स्वाद अनुसार गुड़ का पाउडर मिक्स कर लें और ये हो गई हमारी एप्पल सिनेमन टी तैयार। मैं जानती हूँ कि आपके लिए चाय छोड़ने के बारे में शायद सोचना भी मुश्किल हो, लेकिन आप मेरी बात मानिए, बस 3 दिन के लिए, सिर्फ 3 दिन के लिए अपनी चाय पत्ती वाली चाय को इनमें से किसी एक हर्बल टी से बदलिए। जब भी चाय की क्रेविंग हो तो ये हर्बल टी बनाइए। आप ऑफिस जाते हैं तो इसको थर्मस में पैक करके लेके जाइए। जब अगली बार आपके दोस्त या परिवार घर आते हैं तो उनको भी ये टेस्ट करवाइए और उन्हें भी एक स्वस्थ ज़िंदगी की तरफ लेके आइए। अगर आप सात्विक लाइफस्टाइल के बारे में और गहराई में सीखना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन वर्कशॉप ज़रूर अटेंड करें। ये 4 घंटे की वर्कशॉप है जिसमें आप घर बैठे बैठे सीख सकते हैं कि आप स्वस्थ ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए यहाँ क्लिक करें और ऐसी और रेसिपीज़ देखते रहने के लिए यहाँ क्लिक करें। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे जल्द वापस मिलेंगे।